जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि दो राहों के पशुपेश एक तीसरी राह भी निकलती है एक तीसरा इंसान एक तीसरा शख्स भी ज़िंदगी में जुड़ जाता है जब मैं इस त्रिमूर्ति के बारे में या इस ट्रिनिटी के बारे में सोचती हूँ तो अदब के लिहाज से साहित्य के लिहाज से मन में तीन नाम आते हैं साहि लुध्यानवी अमृता प्रीतम और इमरोज इमरोज पासड येस्टडे एजड नाइन्टी सेवन अमृता प्रीतम इस दुनिया को 2005 में छोड़कर चली गई थी उनका जिस्मानी रूप जो था वो 2005 में खत्म हो गया था लेकिन आज भी इमरोज के घर में जब आप दाखिल होंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अमृता ही दिखेंगी इसे बहुत अच्छे तरीके से हिंदी कविता ने कवर किया था कुछ नौ साल पहले उन्होंने इमरोज़ और अमृता पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें उनकी जो होस्ट थी उनकी मुलाकात इमरोज से हुई थी और वो उनके घर गई थी और वहाँ पर उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ हर दीवार हर दरीचे पर अमृता की तस्वीर ही पाई इमरोज़ ख़ुद एक पेंटर थे आ, और ये लाजम था कि उन्होंने एक कवित्री के साथ एक शायरा के साथ अपनी जिंदगी का अमूमन पूरा हिस्सा गुजार दिया अमृता कहती थी कि इमरोज़ उन्हें जीवन की शाम में मिले थे जीवन की दोपहर में मिल जाते तो ज़्यादा अच्छा होता इश्क अमृता खुद कहती हैं खुद बयान करती हैं कि उन्होंने साहिर लुधियानवी से किया था लेकिन जिंदगी उन्होंने बसर इमरोज़ के साथ की तो अब क्योंकि वो तीनों ही जन्नत में मिल गए होंगे बैठ के बात कर रहे होंगे तो इसलिए आज लाजिम दिन है कि हम वो नज्म पढ़ें जो अमृता प्रीतम ने इमरोज के लिए लिखी थी नज्म बहुत मकबूल है अमृता प्रीतम के नाम के साथ जुड़ी हुई है मैं तेनु फिर मिलाऊंगी इस वीडियो में मैं इसका ओरिजिनल पंजाबी वर्जन पढ़ूंगी और उसके बाद निरुपमा दत्त का इंग्लिश इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो आपको पढ़कर सुनाऊंगी उन लोगों के लिए जो कि पंजाबी इतना नहीं समझते हैं हिंदी का ट्रांसलेशन जो है वो बहुत कवर किया गया है आपको मैं लिंक कर दूंगी नीचे वीडियोस जहाँ पर आपको वो बहुत आसानी से मिल जाएगा आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं पंजाबी औरिजनली पंजाबी में लिखी गई है तो इसलिए वो अक्सर नहीं मिलता है मैंने रेखता के साथ आ, पिछले साल अमृता प्रीतम पर एक एपिसोड किया था जिसमें मैंने उनकी बहुत सारी नज़में कवर की थी उनकी ओरिजिनल पंजाबी वर्जन्स में तो इसलिए ये भी मैं आपको पंजाबी में सुनाऊंगी अगर कोई आ, कभी पेशी हो तो माफ़ कीजिएगा पंजाबी सुनने वाले और बोलने बोलने वाले लोग जो ये वीडियो देखेंगे तो सुनते हैं अमृता प्रीतम की नज़ मैं तेनु फिर मिला ਮੈਂ ਤੇਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ تخیل ਦੀ ਚਿਣਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰੇ ਤੇਰੇ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਲਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇਨੂੰ ਤਕਦੀਰਾਂਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੋ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾਂਗੀ ਇਆ ਰੰਗਾ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੈਨਵਸ ਨੂੰ ਵਲਾਂਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਯਾ ਹੋਰੇ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਚਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਡਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮਲਾਂਗੀ ਤੇ ਠੰਡਾ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂਗੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਵਕਤ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਐ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ ਐ ਜਿਸਮ ਮੁਕਦਾ ਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪਰ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਤਾਗੇ ਪਾਇਨ ਹੱਤੀ ਕਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ कणा नुनागी ताग्यान वल्लागी मैं उन्होंने कणा को चुनांगी धाग्या वल्लागी तो ते तेनों फिर मिलागी मैं तेनों फिर मिलागी मैं तेनों फिर मिला आई विल मीट यू यट अगैन हाउ एन वेयर आई नू नॉट Perhaps I will become a figment of your imagination, and maybe, spreading myself in a mysterious line on your canvas, I will keep gazing at you. Perhaps I will become a ray of sunshine to be embraced by your colors. I will paint myself on your canvas, I know not how and where, but I will meet you for sure. Maybe I will turn into a spring. And rub the foaming drops of water on your body, and rest my coolness on your burning chest; I know nothing else but that this life will walk along with me. When the body perishes, all perishes, but the threads of memory are woven with enduring specks; I will pick these particles, weave the threads, and I will meet you. ट अगैन आई वुल मीट यू यट अगेन ये था निरुपमा दत्त का ट्रांसलेशन ऑफ द ओरिजिनल पंजाबी वर्जन ऑफ मैं तेनू फिर मिलांगी जो कि अमृता प्रीतम ने लिखा था उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आप पढ़ेंगे और अमृता प्रीतम को आप पढ़ेंगे और इमरोज पर और आप जानेंगे कि प्यार इश्क मोहब्बत असल में होता क्या है मैं हूँ वृंदा वैद हयात थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में